हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे बिट्टू का, मेरे आराध्या का जन्मदिन है, तो आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और हम अभी नहा के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो क्योंकि आज मेरे बिट्टू का बर्थडे है, तो आज मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। और मेरे यहाँ वो चाची के यहाँ जो काली माता हैं, तो वहाँ पे ही जाऊँगी दर्शन करने के लिए, अपने बिट्टू को लेके जाऊँगी। तो आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए, देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। कुछ बर्थडे में कुछ स्पेशल तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हमारे बिट्टू को आप सब लोग प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए, और कि हमारा बिट्टू हमेशा स्वस्थ और अच्छा रहे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे मेरे साथ में, प्लीज़ फ्रेंड। और ये हमारे राधा रानी और मेरा मंदिर है। राधे राधे कान्हा जी, देखो मेरे कान्हा जी, ये दोनों कान्हा जी सो रहे थे। तो अभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़ फ्रेंड। फ्रेंड हम पूजा करके आ चुके हैं। देखो अभी इतना कोहरा है और मौसम बिल्कुल खुला नहीं, यहाँ कोहरा नहीं है बट ठंडी बहुत है। हाँ बेटा बता। फ्रेंड देखो हमारे बिट्टू का जन्मदिन है, तो हम केक बना रहे हैं और ये खीर देखो पक रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखो ये खीर पक रही है, आटा मड़ा रखा पूड़ी बनाने के लिए, और ये छोला बना रखा है। और मैं पूरा प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो ये जो क्रीम हमने बनाई है वो क्रीम इसमें लगा देते हैं, इसको डेकोरेट कर देते हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही पूरे ब्लॉग में। और इसमें बनाया था मैंने, फ्रेंड ये हमने केक बना के रेडी कर लिया है। कुछ भी घर में सामान नहीं था, बस वो पिताजी से मैंने मंगाया और रवा उसी से मतलब बनाया है, और दूध था बस उसी से हमने बना लिया है, क्योंकि हस्बैंड बोले थे हम आएंगे तो ले आएंगे, तो वो आए नहीं है। तो मैंने सोचा अब तो केक तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब काटना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने ये बना के रेडी किया। कैसा बना है प्लीज़ फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया हम वैसे बेकरी जैसा तो नहीं बना पाए हैं, पर घर पे जैसा भी बनाए हैं वैसा बना लिए हैं। पहली बार ट्राई किया ये मैंने केक, तो कैसा बना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। फ्रेंड हमारा केक बन के रेडी हो गया। ये देखो इतने सारे बर्तन हो गए सुबह से, ये पड़े हैं तो ये धुल लेते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज़ फ्रेंड। आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, सब कुछ दिखाऊंगी। बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे बिट्टू का जन्मदिन है, वो सो रहा है, बर्थडे गर्ल सो रही है। मैं देखो सबेरे से हालत क्या हो गई मेरी लगे लगे, और इतने बर्तन हैं धुल लेती हूँ। आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए।
गुब्बारा बर्थडे का फुला रहा है हमारा बेटू, देखो इतने सारे गुब्बारे फुला रहा अपने बर्थडे का। हम बिट्टू जा रहे मंदिर, चलो बिट्टू चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, एक बिट्टी पकड़ो हमें पता टार्च का। ये देखो इतना सजा है भैया, अर्जेंट मा सजा, ये मोड़ी जो कुछ ना कराम है वो छोड़ो, हमें पता टार्च का है। चलो 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 मंदिर चलो, प्रसाद चढ़ा बिट्टू को लेके। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों के दर्शन करवाएंगे अपने। हाँ अभी तो काली माता जा रही है, चलो बिट्टू रात है गई, हम कहते हैं सुबेरे जी, पर पिताजी सुबेरे लाए नहीं है ते प्रसाद दोपहर मल। बिट्टू बैठो जो बगन में, बगन में बैठे पूजा मैया। हाँ बिट्टी के लिए पकड़ ले जो। हम घर के मंदिर में मतलब जाएंगे, अब हम घर से फिर से लड्डू लेके जा रहे हैं जो शंकर भगवान का बजरंग बली का गांव में उधर मंदिर है, तो वहीं जा रहे हैं। और हम मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए प्लीज़ फ्रेंड। आप लोगों को हमारे गांव का ये मंदिर कैसा लगा, कि हमारे गांव का पुराना मंदिर है शिव मंदिर, शिव मंदिर है। तो आज मेरे बिट्टू का जन्मदिन था इसलिए हम आए हुए हैं मंदिर में, अभी आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे, प्लीज़ फ्रेंड आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये मंदिर फ्रेंड हमारे घर के पास में है, थोड़ी दूर पे है, इसको शिव मंदिर बोलते हैं। ये पुराना मंदिर है हमारे गांव में, तो जब भी आप हमारे यहाँ आइएगा घर में तो पुराना मंदिर शिव मंदिर पूछ लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसी के घर में हमारा पास है घर है इसी के पास में, मंदिर के पास में। तो आज हमारे बिट्टू का जन्मदिन था तो इसलिए आए हुए थे। पर ये हमारा मंदिर कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा है क्योंकि शादी के बाद हम दोबारा
दोबारा इस मंदिर में आए, तब ये बना नहीं था, थोड़ा सा मंदिर अकेले था, ये पूरी नहीं बना था, नहीं ये मूर्ति रखी थी बजरंगबली बाबा की। तो यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं, आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड। ये बजरंगबली, जय श्री राम। तो आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड ये हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अभी मत जाइएगा, अभी हमारे बिट्टू का बर्थडे है तो केक भी तो काटना है आप लोगों को, तो चलिए हमारे साथ में घर। भाई जो कुर्सी में बैठ जाओगी तो ऐसी करूँ आगे निकालने का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Yeah.
बोले मना लो तो फिर मनाया है, तो उसके लिए फिर हमारे यहाँ लड़की जेठ की लड़की वो फिर केक लेके आई, तो उसके बाद फिर मनाया गया, हमने बना लिया था ऐसे, हमने सोचा हम अकेले ऐसे केक काट लेंगे, पर फिर उसके बाद में वो ले आई तो फिर केक काटा गया। और हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, फिर एंड नहीं करते, केक खिलाएंगे आप लोगों को। फ्रेंड माय यूट्यूब फैमिली, मेरे बिट्टू का बर्थडे था तो आप लोग आ जाइए, केक खा जाइए आके, और हम